हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं इस नए लेक्चर में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और आपका दूसरा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और आपका जो तीसरा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। स्टूडेंट, ये हाई स्कूल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना? तो चलिए वन बाय वन क्लियर करते हैं। प्रीवियस वन लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, साथ में करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न क्या होता है, हमने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिला था। आज हमें जो पढ़ना है उस पर हम बातें करते हैं, किसी भी धारावाही चालक पर बल। हेडिंग का नाम ही है किसी भी धारावाही चालक पर बल। चलो इस मार्कर को मैं धारावाही चालक मानता हूं, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या उत्पन्न होता है आप बताइए? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना? और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसी भी मैग्नेट पर क्या लगा सकता है, बल आरोपित करता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, इनका नाम था एएम एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो मैग्नेट है ये भी परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी बल लगाएगा। कौन? ये जो मैग्नेट है। और इसी कारण ये एक अंडरलाइन हेडिंग है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। चलो इसके लिए फिगर सेटअप करते हैं, फिगर तैयार कर लेते हैं, एक स्टैंड के साथ बनाते हैं। ये यहां पर मैं तैयार कर लेता हूं एक स्टैंड, ठीक है ना? और यहां पर मैं रस्सी नहीं भाई, वायर को बांधने के लिए ये सेटअप तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना? यहां पर क्या करेंगे हम, यहां वायर बांधेंगे, ठीक है ना? और यहां आपका रहेगा एक एल्यूमिनियम का वायर। क्या रहेगा? एल्यूमिनियम का वायर। पहले तो एल्यूमिनियम का वायर यहां से बांधा जाएगा, इस वायर से एल्यूमिनियम का वायर यहां बांधा गया, ठीक है ना? फिर उसके बाद यहां से बांधते हुए हम करंट लेकर जाएंगे इसको बैटरी के साथ, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना? साथ में इस एंड को लेकर जाएंगे और यहां पर बांधेंगे और यहां पर बांध देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? ये सेटअप था, ऐसा सेट किया गया। ये 5 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम वायर है जिसको लटका दिया गया। अब यहां पर एक मैग्नेट लेकर जाते हैं, एक मैग्नेट लेकर जाते हैं जिसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है ना? इस मैग्नेट को इस कंडक्टिंग वायर के पास लेकर जाया गया। अब एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है, ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, यानी करंट इधर, मैं इसको नाम दे दू पी, इसको नाम दू क्यू, तो करंट ऐसे आया, ऐसे फ्लो होता हुआ, यानी कि पी से मतलब क्यू से पी की तरफ फ्लो होगा करंट इस वायर में, क्योंकि वायर भी तो एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो करंट तो फ्लो होगा, तो क्यू से पी की तरफ करंट फ्लो होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट देखा ये गया कि जब करंट इसमें फ्लो किया गया, पहले स्विच को ऑफ रखा गया, बाद में स्विच को ऑन किया गया। यहां लगा दीजिए अपने कन्वीनियंट के लिए, यहां स्विच लगा दीजिए। जब स्विच को ऑन किया गया तो देखा गया कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर था इस पर बाई तरफ एक बल लगा, जिस कारण ये बाई तरफ विस्थापित हो जाता है। जैसे अगर ये वाला लेफ्ट साइड हो, ये वाला राइट साइड हो, तो बाई तरफ विस्थापित हो गया, ठीक है ना? जैसे यहां अगर हम दिखाएं तो ये वाला हमारा राइट हैंड है, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड है, तो बाई तरफ मतलब इधर विस्थापित हुआ, देखो इधर विस्थापित हो गया, ठीक है ना? अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहां पर इसके ध्रुव को बदल गया, दिया गया, यानी ये प्लस वाले को माइनस बना दिया गया और माइनस वाले को प्लस बना दिया गया। तब देखा गया तो ये मालूम चला कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर था अब वो दाई ओर की तरफ विस्थापित हो गया। अच्छा, फिर क्या किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग किया गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन किया गया। जैसे इसका पोल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको साउथ बनाया गया, इसको नॉर्थ बनाया गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी चेंज किया गया। तब देखा गया, तब भी देखा गया कि इस वायर पर
डिफ्लेक्शन हुआ यानी वायर में विस्थापन हुआ। इससे क्लियर हो रहा है कि फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा, ये फोर्स डिपेंड किस पे करेगा? ये जो फोर्स है यानी कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर लिख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये डिपेंड किसके करता है? कैरिंग कंडक्टर। ये डिपेंड करेगा पहला बात डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर किया। दूसरी बात प्लस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये हुआ। अच्छा, ये जो फोर्स लगता है इस वायर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो F बराबर I B L साइन थीटा होता है। यहां L क्या है? लेंथ ऑफ वायर होता है, I जो है वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, और साथ में B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरा नंबर है ये वाला थीटा एंगल होता है किसके बीच में? करंट के बीच में जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसके तथा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये क्या होता है? एंगल होता है। कौन? ये थीटा, इसके और इसके बीच का एंगल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से आप तो स्पष्ट हो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो तो आप ये बताओगे थीटा अगर आप मैं 90 रखूंगा तो ये फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इस दौरान इस कंडक्टर पर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर अधिक फोर्स अनुभव होगा, अधिक से अधिक फोर्स लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिलहाल एनसीईआरटी में ये बातें बताई नहीं गई हैं, ये दो बातें समझाई गई थी, एक्सपेरिमेंट समझाया गया था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर लगेगा फोर्स, और वो फोर्स डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, चलो इसको मिटाते हैं और पहुंचते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। ज्यादा मजा वहीं पर आने वाला है, तो ये मजा नहीं था, अरे यार मजा था ये भी। चलो ठीक है, देखते हैं। अगला है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पूरा एफ लिखते हैं यार, कट गया। हाँ, ये मेरा फ्लेमिंग लेफ्ट पे लेफ्ट लेते हैं, मैं फ्लिंग नहीं हूं, फ्लेमिंग नहीं हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड लगाते हैं और समझाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसको इंडेक्स फिंगर, इसको मिडिल फिंगर, और ये तो थंब है, ठीक है। मुझे इस प्रकार से इसको फैलाना है अपने लेफ्ट हैंड को कि जो ये मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में हो, और जो आपका ये इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो ये जो अंगूठा है, थंब है, ये इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है, फोर्स की दिशा को बताएगा कि फोर्स किधर लगेगा। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अभी यहां पर आपको जब इलेक्ट्रिक मोटर का मैं फिगर तैयार करूंगा तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो पिछला वाला फिगर था उस फिगर में भी यही है, करंट फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में, ऐसे वहां पर भी जो करंट किधर फ्लो हो रहा था, जब मैं इसका बनाया था फिगर, करंट किधर फ्लो हो रहा था, ये तुम्हारे बेकार है। करंट किधर भी फ्लो, जैसे मान लेते हैं वायर करंट किधर फ्लो हो रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो दिखाते हैं। अभी तो ये क्रॉस कहां से आएगा, ये तो इंटर में है, ये क्रॉस मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो, तो अंदर की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, करंट ऊपर जा रहा है, आप सेटअप करके दिखा सकते हो। जैसे यहां पर देखो, ये मैंने अपना हाथ मोड़ा और ये देखो आपका ये जो ये वाला इंडेक्स फिंगर है ये कहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कि क्रॉस का मतलब होता है अंदर, तो अब करंट ऊपर जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगाओ, यानी फोर्स इस पर लगेगा इधर, ऐसे समझते हैं। ये क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मुझे हैंड बना नहीं आता यार, इसलिए मैं इसको हाथ बना के समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे हैंड से आप समझिए, ये आपका मिडिल फिंगर है, ये करंट को बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ये फोर्स को बताता है, ठीक है ना। तो चलिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पर। तो फिगर पहले बना लिया जाए, क्यों? चलो ठीक है, यहां क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर में बहुत अच्छा सेटअप होता है, यहां एक नॉर्थ, एक स्ट्रांग मैग्नेट होता है जिसका ये नॉर्थ पोल, ये यहां पर होता है साउथ पोल,
फिगर आपको थोड़ा दिखे ना, इसलिए मैं इसको छोटा बना देता हूं ताकि दिखे, दिखे ना नहीं दिखे। हाँ इधर देखो, यहां एक होता है क्या, रेक्टेंगुलर कॉयल होता है जिस पर क्या होता है तांबे के विद्युत रोधी यानी इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटे होते हैं, सटा सटा के लपेटे जाते हैं और पृथककृत लपेटे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये इसका सेटअप है, ये नॉर्थ ये साउथ पोल, ये मैंने यहां खाली दिया, ये साउथ पोल, ये एक स्ट्रांग मैग्नेट है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है जिस पर क्या है, जिस पर तांबे के तार लपेटे गए हैं, इंसुलेटिंग कॉपर वायर लपेटे गए हैं, ठीक है ना। इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी। केवल समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इजी समझ आएगा। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ही वर्क करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। साथ में इलेक्ट्रिक मोटर काम क्या हुआ, जैसे हम पता है मेरे पास स्विच है, मैंने ऑन किया, फैन चलने लगा, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में। अरे भाई लाइट आई, मैंने स्विच ऑन किया, मैंने देखा इलेक्ट्रिक आया, इलेक्ट्रिक मिला उसे, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कब कर दिया, इलेक्ट्रिक मोटर ने कन्वर्ट कर दिया किसमें, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, जिस कारण क्या हुआ वो अपनी जगह पे मोशन कर रहा है, घूम रहा है। स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट में होकर के जब घूमती है अपनी जगह पे है और घूम रही है तो मैकेनिकल वर्क कर रही है, तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगी। तो यहां लॉस मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वर्क किस प्रिंसिपल करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड प्रिंसिपल वर्क करता है। ये दो बातें आपने लिखा, चलो आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे, कार्यविधि पर, इसके संरचना पर आते हैं, पढ़ाता हूं मैं आपको, जितना एनसीईआरटी में है उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मतलब कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलो यहां क्या होता है, अभी आप सोचिए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे लिए मैं यहां क्या करना हूं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा हूं। ऐसा क्यों ले रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टूडेंट हमें पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है फोर्स अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, अरे भाई नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ साउथ होगा, टेंसेस, ये तो पता है आपको, अच्छा बहुत बढ़िया। और ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, रखा क्यों गया, इसका काम हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये रोटेट करे, तभी तो मोटर बनेगा, रोटेट करना चाहते हैं, इसके लिए इस पर फोर्स लगना चाहिए ना, इस पर अंदर लगे, इस पर बाहर निकले, यानी कि मेरा हैंड है ऐसे ऐसे रखा हुआ है, अगर मेरे हैंड पर इधर कोई फोर्स लगाएगा, ये देखिए मूव किया इधर, मतलब इधर से इतना फोर्स लगे, इधर से उतना ही फोर्स लगे, मतलब मेरे कहने का मतलब है हम चाह रहे हैं कि इस वाले एंड पर जो ए बी वाला है, ये साइड पर किधर लगे, अंदर की तरफ फोर्स लगे, और सी डी वाले साइड पर बाहर की तरफ फोर्स लगे, इससे क्या फायदा होगा, ये रोटेट करने लगेगा। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि भाई करंट तो देना पड़ेगा ना, बिना करंट के तो कैसे फोर्स लग सकता है, कि हम वो पता है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में है कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर तो फोर्स लगता है, तो उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर करूं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने क्रिएट किया है, तो करंट तो क्रिएट करो, करंट क्रिएट करता हूं, आप करंट क्रिएट कर लेते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से, समझिएगा ध्यान से, चलो इसमें स्विच लगा लेते हैं, बाद में काम करते हैं, दिख रहा है आपको, मैं आपको एक बार स्क्रीन दिख लेता हूं, मोबाइल में देख लूं एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो हाँ, तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, की है ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, अच्छा ऐसा अगर जोड़ दे तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा, लेकिन अब क्या होगा, आप ये देखेंगे ये मूव तो करेगा लेकिन ये वायर को भी तोड़ देगा पूरा, ऐसे वायर, ये पूरा वायर सेटअप होकर घूमेगा तो पूरा वायर आपका टेढ़ा हो जाएगा घूम करके, ठीक है ना, तो ये कंफर्टेबल है नहीं, ये कंफर्टेबल है। अच्छा इसमें क्या है कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना, अगर उसको आप लगाओगे तो कैसे लगाते हैं दिखाता हूं मैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी है वो इधर है, N+, ये देखिए N+, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है करंट का भी डायरेक्शन देखना है, ये करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन यानी कि मेरे कहने का मतलब है, ये लो बन गया बढ़िया से, देखो मैंने दिखाया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिखाया है ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में दिख रहा है, ये आपका करंट है, करंट आपका देखो इस वाले ए बी वाले एंड में ऊपर करंट जा रहा है, फोर्स कहां जाएगा, अंदर जाएगा, फोर्स अंदर लगा रहा है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, पता नहीं कोई बोल नहीं रहा है,
मैं सुन रहा हूं ठीक है, यहां पर क्या है प्लस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा अब फिर क्या है, ये करंट क्या हुआ अब इधर लौट रहा है, अब फिर मैं दिखाता हूं तो भाई तो ये वाला N2S तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। अब देखो करंट किधर है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट नीचे आ रहा है, फोर्स देखो अब फोर्स बाहर यानी फोर्स लग गया बाहर, और जब बाहर लगता है तो इसको ऐसे दिखाते हैं डॉट से, सर्कल डॉट। अच्छा काम तो चल रहा है, ये अंदर लगा रहा है ये बाहर, तो घूमेगा तो ऐसे रोटेट करेगा ठीक है। अब वो मैं गाना नहीं गा रहा हूँ लड़की आंख मारे, वो गाना नहीं गा रहा हूँ, ये ऐसे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे घूमेगा रोटेट करेगा ठीक है, तो बढ़िया है। अब देखो स्टूडेंट जब ये होगा क्या कि जब हम लोग अभी तो मैं हम लोग इतना ही देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये घूम रहा है, अब मैं इसको 3D दिखा नहीं सकता हूँ कि घूम रहा है ना, लेकिन जब ये ऐसे रोटेट करेगा ना तो जब ये हाफ रोटेट करता है ना तो उस दौरान होगा क्यों कि जो करंट तो सेम है, करंट तो आपका ऐसे फ्लो होगा ऐसे दौड़ेगा करंट, लेकिन हाफ रोटेट होने के बाद फिर ये क्या करेगा पूरा रोटेट नहीं होगा। जैसे मेरा हैंड है सपोज दैट ये पूरा हैंड है ठीक है ना, तो ये इतना रोटेट हुआ, हमें कितना चाहिए, हम चाह रहे हैं कि यहां से लेकर के ये रोटेट होता हुआ इधर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हाफ रोटेट हुआ फिर ऐसे हो जाएगा, फिर हाफ रोटेट हुआ फिर ऐसे हो जाएगा। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जब इसमें हाफ रोटेशन होगा तो इसका ये वाला एंड ऐसे हो जाएगा तो करंट इधर फ्लो होगा, तो जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग करोगे आप ना तो आप देखोगे ना कि वो फिर क्या होगा, जो फोर्स अभी हम चाह रहे हैं कि इधर लगे ना वो फोर्स अगेन इधर हो जाएगा, मतलब यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हाफ रोटेट होने के बाद फिर ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इस पर इधर फोर्स लगा इसने इधर ठकेला, उसके बाद जब हाफ रोटेट होगा ना तो फिर क्या करेगा ये वाला इधर ठकेलेगा ये वाला इधर जाएगा, जिस कारण हमारा कोई उद्देश्य पूरा होना नहीं है, यानी हम चाह रहे हैं कि वो पूरा रोटेट करे जबकि पूरा रोटेट नहीं करता, तो इस कारण ये सेटअप डिवाइस इतने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसमें क्या लगाते हैं एक स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी तो मैं आपको पूरा करंट के बारे में बता रहा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे उपयोग करते हैं उसको बता रहा था, तो आपने देखा ना अभी आपको भी एक चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये तो ठीक है कि आप ये कह रहे हो अंदर फोर्स लग रहा है ये बाहर निकल रहा है जिस कारण रोटेट किया, ऐसा था रोटेट यहां तक किया, जैसे ही यहां तक रोटेट करेगा ये वाला करंट भाई ऊपर तो रहे करंट तो ही जाएगा ना, तो जब आप उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे यूज करोगे ना तो उस दौरान आप देखोगे कि अगेन ये होगा ऐसे रोटेट होकर के फिर अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, जिससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला ठीक है ना, तो इस कारण क्या करेंगे यहां पर यूज करते हैं स्प्लिट रिंग। और साथ में दिक्कतें ये भी है कि आप देख रहे हो कि जब ये घूमेगा तो ये पूरा वायर लेकर के घूमेगा तो ये वाका जो वायर जुड़ा हुआ है पूरा टूट जाएगा, वायर खराब हो जाएगा, तो इस कारण यहां पर ऐसे नहीं जोड़ेंगे, यहां लगाते हैं एक मेटेलिक रिंग लगाएंगे जो इस प्रकार से रहेगा, ध्यान समझिएगा एक मेटेलिक रिंग का उपयोग करेंगे ठीक है ना, ध्यान समझिएगा एक मेटेलिक रिंग का उपयोग करेंगे और उस मेटेलिक रिंग पर जिसको स्प्लिट रिंग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं स्प्लिट रिंग लगाएंगे और ये क्या करेगा इस वायर से करंट रहेगा, एक एंड इससे करंट रहेगा और दूसरा एंड इस वाले से करंट रहेगा, और साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें स्प्लिट रिंग के साथ साथ कार्बन के ब्रशेस लगाएंगे ऐसे कार्बन के ब्रश होते हैं जो लगाए जाते हैं ठीक है ना। अच्छा ऐसा क्यों कार्बन के ब्रशेस क्यों लगाए जा रहे हैं तो मैं आपको ये भी बेहतर तरीके से समझाता हूं स्टूडेंट, का ये जो आपके कार्बन के ब्रशेस है ये इससे जुड़े नहीं है, ये जो आपका मेटेलिक रिंग है जो स्प्लिट रिंग है उससे जुड़ा नहीं है बल्कि उसको टच कर रहा है, अगर जुड़ा रहता तो फिर आपका कोई फायदा नहीं मिलता, इस स्प्लिट रिंग को लगाने से कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि फिर ये पूरा सेटअप रोटेट होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, फिर आपके वायर ऐसे मरोड़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो इस कारण यहां पर क्या यूज करेंगे कि ये कार्बन ब्रशेस तो यूज करते हैं लेकिन जो कार्बन ब्रशेस है वो इस स्प्लिट रिंग को केवल टच करता है, और जबकि एक्चुअली वायर कहां जुड़े हुए हैं इस स्प्लिट रिंग से जुड़े रहते हैं, तो आपका स्प्लिट रिंग रोटेट करता रहता है और ये सेटअप आपका ऐसे के ऐसा बना रहता है, तो ये तो काम बन गया कि आपका वायर चलो अब आपका वायर ये नहीं कि पूरा का पूरा जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पूरा घूमेगा ऐसा नहीं होगा, ये तो बात कंफर्म हुई ना। आप चलो एक चीज समझाता हूं, इसको लगाने से एक फायदा और बताता हूं मैं आपको स्टूडेंट,
जब ये घूमता है ना, जैसे ये इसे घूमेगा भाई, अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये इसके साथ इस वायर के साथ कनेक्ट रहेगा, ये वायर इसके साथ कनेक्ट रहेगा स्प्लिट रिंग साथ ना। तो जब स्प्लिट रिंग रोटेट करता है ना, जैसे स्प्लिट रिंग है ऐसा घूमेगा, ऐसे घूमता रहता है स्प्लिट रिंग, ये हाफ है हाफ हाफ, तो हाफ हाफ घूमता रहता है। तो एक जब ये हाफ घूमेगा ना, जैसे जब ये घूमता है ना, तो हाफ घूमने के बाद जैसे ही ये वाला सीधा ऐसे खड़ा होता है, ऐसे मान लेते हैं ये आपका क्या है रेक्टेंगुलर कॉयल है, जैसे ही ये रोटेट होते हुए, अभी तो ये अंदर फोर्स लग रहा है तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसा रोटेट हुआ। अब रोटेट होने के बाद हमको सबको पता है कि ये फिर ऐसे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां तक रोटेट होता है ये घूम जाता है। तो घूमने से क्या होता है, जो करंट है, जो करंट है उसका पोल बदल जाता है, यानी कि ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस वाला, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, यानी ध्रुव बदल जाएंगे, ये माइनस बन जाएगा ये प्लस बन जाएगा, समझ रहे ना। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा दिमाग में फिर नहीं जा रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, कि यहां पर क्या होगा, ये स्प्लिट रिंग घूमते हैं, तो घूमने से क्या होता है कि इनका जब ये हाफ घूमते हैं, जैसे ये घूम के इतना हुआ ना, तो जब से जैसे ये हाफ घूमा घूमेगा ना, ठीक उसी प्रकार से ये वाला इन नेगेटिव बन जाएगा, वाला पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कनेक्ट है मानते हैं आपका ये ब्लू है ये रेड है, तो जैसे ही हाफ यहां हाफ घूमता है, ये ब्लू वाला कहां, क्योंकि ये भाई ये भी तो रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो ब्लू वाला पहुंच जाता है इधर और रेड वाला पहुंच जाता है इधर, जिससे पोल बदल गया। और जब पोल बदल गया तो 100% की अब फोर्स क्या होगा, अब हम जो चाह रहे हैं कि मतलब ये वाला ऐसा रोटेट हुआ तो अब दोबारा ऐसा ना हो करके ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाए, तो वो होने लगेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा करके आप अपने घर पर देखिए, समझिए, सोचिए कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल लीजिए, करंट दिखाइए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड उपयोग करिए, इसको क्या करिए रोटेट करा के ऐसा जब खड़ा हो जाए, यानी जैसे जब ये खड़ा होगा तो ये अंदर चला जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, तो आप खड़े जब ये खड़ा हो जाएगा तो उस दौरान क्या हो जाएगा, ये करंट, ये वाला तो करंट इधर आएगा ना, फ्लो होगा, तब फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए स्टूडेंट। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फोर्स लग रहा है कि हाफ घूमने के बाद फिर वैसे हो जा रहा है, और जैसे ही हम इसके ध्रुव को बदल रहे हैं वो फिर वो क्या हो रहा है, पूरा रोटेट कर जा रहा है। तो आप उसको देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें वॉल्यूम कार्य करता है। वॉल्यूम में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि भाई इसको इस वाले जो आपका साइड है उसको अंदर ढकेल रहा है और इस पर बाहर लग रहा है फोर्स, यानी एक फोर्स इस पर अंदर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस पर बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका वॉल्यूम बनाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, ये इसके कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया आपको, अभी भी आप इसको देखिएगा और अभी इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। अब यही सब लिखना है कि इसमें स्प्लिट रिंग लगे होते हैं, ऐसा काम क्या होता है, बैटरी लगा होता है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं, आर्मेचर होता है, घूमता है आर्मेचर, आर्मेचर में तांबे के तार लपेटे जाते हैं, ये सारी चीजें आप बताओगे उसमें, ठीक है ना, लिखोगे कॉपी में, आपके ढंग से 2 से 3 पेज कंप्लीट हो जाएगा इजी वे से, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड पर। इलेक्ट्रिक मोटर कैसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, इसको देखिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।